अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को कहूँगा खुश आमदीद कराची वेदर ऑब्ज़रवेटरी के लाइव अपडेट्स में। और मानसून वेदर सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता अब गुजरात की साइड अपना सफ़र आज रखेगा और आज ये रात के बाद समंदर में उतर जाएगा इंशाल्लाह एज अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम 993 मिलीबार्स स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ। और होपफुली आज कुछ थंडर स्टॉर्म बनने की उम्मीद होगी, नॉर्थ ईस्ट पे कुछ थंडर क्लाउड बन सकते हैं, लेकिन रेन के चांसेस आज रात के बाद से स्टार्ट होंगे। मिनिमम चांसेस आज थंडर स्टॉर्म डेवलपमेंट के दोपहर में कुछ कह सकते हैं हम लोग, और वो भी ख़ास तौर पे हमारे इस इलाके के लिए। ये जो हमारी लोअर सिंध का एरिया है, ठट्टा, घारो, चौड़, जमाली, केटी बंदर, यहाँ पे ट्रॉपिकल जो एक्टिविटीज़ की ऐसे फैलाव होगा बादलों का, और इस दौरान कुछ थंडर स्टॉर्म आने की भी उम्मीद है। कराची की अगर हम बात करें तो कराची पे आज रात से क्लाउडिनेस में मज़ीद इजाफा होगा, क्लाउड मास में इजाफा होगा, और आज भी गर्म दिन होगा, कुछ थंडर क्लाउड बनने की उम्मीद है। टेम्परेचर 38 प्लस हाई हीट इंडेक्स के साथ जाने की उम्मीद है, सी ब्रीज कट ऑफ होंगी। और ये सिस्टम इंशाल्लाह कल से भरपूर बारिश देने की अहलियत रखता है कराची समेत सुबह सिंध की साहली पट्टी पे, और इस दौरान सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी अच्छी बारिश की उम्मीद है। तो ये अपडेट्स आप लोग देख रहे थे कराची वेदर ऑब्ज़रवेटरी पे, और ये सिस्टम जो है वो तकरीबन हफ्ते तक रहेगा कराची में। इस दौरान में हाई टाइड रहेंगी और कुछ पॉसिबिलिटी इसकी ट्रॉपिकल साइक्लोन वन में भी कन्वर्ट होने की इसकी जो है वो इतलात हैं। तो हमारी कोस्टल बेल्ट जो है जो कि शुरू हो रही है ठट्टा केटी बंदर की साइड से, ये अलर्ट रहे यहाँ हमारे गवादर तक, क्योंकि ऑन हाई अलर्ट इसलिए रहना क्योंकि सिस्टम है स्ट्रॉन्ग। और मज़ीद मालूमात इंशाल्लाह टाइम टू टाइम जारी करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, कराची वेदर ऑब्ज़रवेटरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द।